थोड़े से हौसले की जरूरत है। दुनिया को सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता भारत ने ही दी है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववर 1,96,853,114 वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक अतीत है। दुनिया को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, दुनिया को सबसे पहले हेल्थ सिस्टम, 200 साल पहले एलोपैथी नाम की कोई चीज भी नहीं थी दुनिया में। दुनिया को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहां पर जब पूरी दुनिया में कुछ चंद लोग पढ़ा लिखा करते थे उस समय हमारे यहां पर तक्षशिला और जो है नालंदा से भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते, 40,000 से ज्यादा हमारे यहां पर बड़े गुरुकुल थे, बाकी 7,00,000 से ज्यादा गुरुकुल थे ही हमारे यहां। दुनिया को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले हेल्थ सिस्टम, सबसे पहले जुडिशरी सिस्टम, न्याय दर्शन तो हमारा सबसे पुराना है, मनुस्मृति से लेकर के वेदों से लेकर के जो पूरा जुडिशरी सिस्टम उसका मूल तो भारत। कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पूरी दुनिया को जुडिशियरी सिस्टम, पूरी दुनिया को टैक्सेशन सिस्टम, पूरी दुनिया को इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और फैमिली सिस्टम, सारा तो भारत की देन है। भारत के ऋषि मुनि कितने महान थे, उनको सारे ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान था। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितनी है, हमारे यहां पर हजारों साल पहले हमारे ऋषि ने, आर्यभट्ट ने, भारद्वाज ऋषि ने पहले बता दिया। कि आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता नहीं कि जो भी अच्छा है वो पश्चिम से आया है और जो बुरा है वो अपना है। पूरी दुनिया को ज्ञान भारत ने दिया, विज्ञान भारत ने दिया, पूरी दुनिया में समृद्धि भारत से आई। भारत को लूट लूट करके ये यूरोप आज ताकतवर हुआ है और आज भी भारत का ही काला धन जो है उससे अमेरिका पनप रहा है, उससे यूरोप पनप रहा है, उससे ब्रिटेन पनप रहा है, जर्मनी फ्रांस पनप रहा है। भारत का काला धन जिस दिन वापस आएगा उस दिन भारत दुनिया की महाशक्ति फिर बन जाएगा। भी भारत से आई, भारत को लूट लूट करके ये यूरोप आज ताकतवर हुआ है और आज भी भारत का ही काला धन जो है उससे अमेरिका पनप रहा है, उससे यूरोप पनप रहा है, उससे ब्रिटेन पनप रहा है, जर्मनी फ्रांस पनप रहा है। भारत का काला धन जिस दिन वापस आएगा उस दिन भारत दुनिया की महाशक्ति फिर बन जाएगा। आज भी भारत गरीब नहीं है, ये बातों का हमको पता नहीं है। हमको क्या बता दिया, भारत एक गरीब देश है, भारत गरीब देश नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ बोला है। 1,00,00,000 करोड़ तो बाहर लूट के जमा कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, मैं बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना दस्तावेज के कोई बात नहीं कहता, मैं कोई अफवाह नहीं फैलाता, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं सच बोलने से चूकता भी नहीं। जरा सुनो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, देश के भी जितने भी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं 1,00,00,000 करोड़ देश के बाहर जा चुका है, उसको क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी, देश की सीमाओं से बाहर काला धन जो जमा हुआ है उसका आंकड़ा, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, जोर से तो बोलो, 1,00,00,000 करोड़। और ये 10% है, 90% यहां है तो कितना हो गया, 900,00,00,000 करोड़। बोले बाबा इतना ये है कहां, ये लगा हुआ है गोल्ड में, इलीगल गोल्ड, नाजायज सोना, इलीगल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाजायज जमीन जायदाद खरीद रखी है बेईमानों ने, भूमाफियाओं ने, फिर खनन माफियाओं ने इलीगल माइनिंग कर रखी है, नाजायज माइन खनन, फिर पॉलिटिक्स, ड्रग्स और काला बाजारी, काले धंधों में ये सब काला धन लगा हुआ है। 1,00,00,000 करोड़ कितना है बोलो, और अभी भी हर साल करीब 10,00,00,000 करोड़ रुपए लूटते हैं घोटालों में और भ्रष्टाचार करके।